छत्तीसगढ़ राज्य के नवगठित 28वें जिले गोरेला पेंड्रा मरवाही के उद्घाटन अस्थाई जिला मुख्यालय के पास ग्राम सेमरा पेंड्रा रोड के गुरुकुल स्टेडियम में प्रशासन द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। उद्घाटन की तैयारियों को लेकर ओएसडी शिखा राजपूत तिवारी एवं एसडीएम मयंक चतुर्वेदी स्वयं देख रहे हैं। नए जिले का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया जाएगा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उनकी सांसद पत्नी ज्योत्सना महंत, पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक अजीत जोगी सहित अन्य प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उनके द्वारा नए जिले के रूप में पहला जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही बनाया जा रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक एवं यादगार बनाने के लिए नए जिले के उद्घाटन समारोह की तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नए जिले के गोरेला पेंड्रा मरवाही में कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पूरा मरवाही विधानसभा क्षेत्र आता है तथा बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत गोरेला एवं पेंड्रा नगर सहित गोरेला विकास खंड के 60 मतदान केंद्र आते हैं। आपको बता दें कि नए जिले गोरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत आने वाले दोनों विधानसभा क्षेत्र मरवाही एवं कोटा में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी से जोगी दंपत्ति विधायक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी मरवाही क्षेत्र से विधायक है तो उनकी पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी कोटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वहीं कोरबा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कांग्रेस की ज्योत्सना महंत हैं तो बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भाजपा के अरुण साव हैं। प्रदेश के नए जिले गोरेला पेंड्रा मरवाही की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 3,36,420 की आबादी है, जिसमें गोरेला विकासखंड की आबादी 1,01,255 तथा गोरेला शहर की आबादी 18,165 है। पेंड्रा विकासखंड की आबादी 71,361 तथा पेंड्रा शहर की आबादी 14,120 है एवं मरवाही विकासखंड की आबादी 1,31,519 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार तीनों विकासखंडों के अंतर्गत कुल 87,729 घर हैं, जिसमें गोरेला तहसील के अंतर्गत 34,141, पेंड्रा तहसील के अंतर्गत 22,618 एवं मरवाही तहसील के अंतर्गत 30,970 घर हैं।